Hi. सही हूँ सर। सही हूँ, क्या बोलूँ। आप बताइए, आप सही है। सिर्फ थोड़ा बारिश आने वाली है ऐसा लगता है। यहाँ पे कुछ छज्जा भी नहीं है, पता नहीं कहाँ जाऊंगा भाग के। हाँ, बारिश भी हो सकती है, मेरा ध्यान ही नहीं गया ऑनेस्टली। सर आप शायद पीछे कहीं होगा कोई दुकान या उसके नीचे आप जा सकते हैं अगर आपको। मैं तो यही रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं। आप जा सकते हैं दुकान के पास, यहाँ है शायद पीछे कुछ। आप क्यों आ गए पर इधर सर? बस शेल्टर ही ढूंढ रहा हूँ बेटा यहाँ वहाँ। हाँ क्या पूछ रहे थे आप, क्या पूछ रहे थे? नहीं, मेरा तो ध्यान नहीं रहा कि बारिश होने वाली है। आप इतने इतने खराब मौसम में पार्क पे क्या कर रहे हैं? वही बताया ना, शेल्टर ही ढूंढ रहे बेटा। ये इसमें और क्या बाकी है, आइए बैठिए, 2 मिनट बैठिए, थोड़ा बातें करते हैं कम प्लीज। हाँ सर, शेल्टर ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया सर? आपके साथ मतलब आपका घर कहीं होगा ना? अब घर किसे कहते हैं जब कोई हो ना हो घर में, उसे घर थोड़ी कहते हैं बेटा। सर कोई हो नहीं, मतलब आपको कुछ दिक्कत हुई क्या आपके साथ सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसे ही कहीं शिफ्ट हो रहा हूं किसी और घर में, तो थोड़ा अच्छा लगाव सा है अपने घर से, ऐसी अच्छा सर, बात है। अच्छा आप कैसे हो बेटा, सर। आपके हाथ में बुक देखी, क्या पढ़ रहे हो, क्या एग्जाम्स हैं, क्या है आप? सर ये बुक से पढ़ लिया होता तो फायदा होता सर। यही बुक थी, अभी आज रिजल्ट्स है सर, आज रिजल्ट्स आए तो। तो इतने पढ़े लिखे दिख रहे हैं, आप तो इतने होशियार लगते हैं, पास तो हो ही गए होंगे अच्छे परसेंट से, है ना? नहीं सर, नहीं, आज रिजल्ट्स थे मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम्स थे तो। हाँ पढ़ा तो था सर मैंने ऑनेस्टली, पर काफी लेट के लिए छोड़ दिया था और काफी ज्यादा सिलेबस था। दो चार यही जो परसेंट बुक हाथ में वो उसके वजह से छूट गया सर, पास नहीं हो पा रहा। तो पास नहीं हो पाए। नहीं सर, तो बुक ये आखिरी मतलब आखिरी 5-6 चैप्टर्स थे पूरे सिलेबस में। मैंने सोचा छोड़ देना सही होगा, लेकिन ज्यादातर सवाल उसी से आ गए और पीछे का भी काफी छोड़ रखा था तो छूट ही गया सर। आप बताइए सर, खैर आप कह रहे थे आप घर शिफ्ट कर रहे, कहाँ पे रहते थे आप सर? मैं इधर बोरीवली में जो बजाज पार्क है उसके बाजू में मेरा घर था। अच्छा तो अभी क्या है कि ओल्ड एज भी हो गई है बेटा, तो हाँ सर, अपने आप मैनेज नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, खाना वगैरह ये वो। मेरी मिसेस तो 2 साल पहले ही चली गई थी, उनको डायबिटीज था। तो अब अच्छा मेरे जो मेरा जो सन है वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो गल्फ में है। उन्होंने सोचा कि मेरे को बहुत अच्छी जगह ले जाएंगे, तो एक ओल्ड एज होम है, उसको ओल्ड एज होम नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। तो वो बहुत अच्छा सा कॉटेज वगैरह है, वहाँ पे लोग रहते हैं और हमारा अच्छा ध्यान रखेंगे शरीर का। मेरे को जो गोली वगैरह मेरे को जो चक्कर आते हैं उसकी गोली है, उसका ध्यान रखेंगे। खाना पीना जो टाइम टू टाइम मुझे चाहिए उसका ध्यान रखेंगे। तो मतलब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो ऐसी बात है, तो उसमें कोई गम नहीं है। नहीं सर, आप गल्फ नहीं जा सकते अपने बच्चों के साथ? नहीं बेटा, अभी ये उम्र में वो सब लाइफस्टाइल, वो उनकी वो मिसेज जो है, वो मेरी बहू जो है वो उसी देश की है, वो हमको नहीं जमता है। नहीं, सर इतना बुरा नहीं है सर, जो ओल्ड एज होम्स होते हैं। सॉरी, आपने क्या नाम बताया? मेरा नहीं नहीं सर, अच्छा आपका तो मैं जानना चाहूंगा, बट जहाँ आप जा रहे हैं सर,
वहीं पे है आपका, जहाँ पे आपको रख रहे हैं जो कॉटेज की आप बात नहीं, वो मुझे तो वहाँ पे मीरा रोड में भेजेंगे, वहाँ पे एक बीच की तरफ कुछ किसी की जगह है सर। वो उतना बुरा नहीं होगा आपके लिए सर, वहाँ यू आपके एज के लोग मिलेंगे आपको, काफी सारे हंसना बैठना होता है। मैं एक बार गया था, मेरे एक रिलेटिव थे, अच्छा होता है सर, उनके दोस्त बन जाते हैं, अपना ग्रुप बन जाता है, वो अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे सर। आप अगर आपको बुरा लग रहा है तो उतनी बुरी बात नहीं है सर। आप कभी गए हैं क्या? मैं एक बार देखने गया था सर, मेरे चाचा जी जो थे, उनके मतलब कजिन चाचा जी, उनके पिताजी रहते थे, वो खुश थे सर, और वहाँ आपका अच्छा ख्याल रखेंगे सर, और आपको और लोग भी मिलेंगे जो आपके ही उम्र के होंगे, उनके साथ आप अच्छे से बात कर पाएंगे। आप इतनी उतनी बुरी बात नहीं है सर, आप बुरा मत कीजिए। आपको लगता है कोई बात करेगा मेरे साथ शाम को? सर मैं आपको नहीं जानता, आपसे इतनी देर बात कर ली, आपको क्यों लगता है आपसे लोग बात नहीं करेंगे? तुम तो बहुत बहुत इंस्पायर कर लिए मुझे। बाय बाय, चलते हैं सर।